आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी जनता की आवाज में उपस्थित हूँ अरवल जिला समरहाले में। और यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक लोग हैं जो जिला पदाधिकारी को लेटर दिए हैं, क्या समस्या है, क्या कारण है, क्योंकि ये बच्चे का भविष्य है, शिक्षा देने का काम करते हैं, इन लोग के साथ क्या दुर्व्यवहार या क्या समस्या है कि इन लोग जिला पदाधिकारी को लेटर दिए हैं। चलिए बात करते हैं, क्या समस्या है, बताएंगे अपना परिचय आप। जी, मेरा नाम विपिन कुमार हुआ जी, और हम प्रखंड अध्यक्ष हैं रसंस गोपगुट का। अच्छा, हमने जो है बार बार इससे पहले भी दो तीन बार जो है जनता दरबार में फरियाद लगाए थे कि हम लोग का बकाया वेतन जो है 2019 से लंबित है और महंगाई भत्ता 2019 से नहीं मिल रहा है। जब भी बढ़ता है उसका बकाया होता है 3-4 महीना का, वो नहीं दिया जाता है। उसके साथ ही हम लोग का ईपीएफ का जो पैसा होता है कटौती हम लोग खाते से तो हो जा रहा है, टीचरों से हो जा रहा है, लेकिन जमा नहीं होता है। और बकाया वेतन में ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग जो है जिसका पैरवी हो, पैसा हो, या जिस प्रकार से कुछ उसका आउटसोर्सिंग है, उसको तो दिया जा रहा है, हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। और इस जनता दरबार में जब अगले बार 19 तारीख को हम लोग फरियाद लगाए थे तो उसके गुस्सा में जो है 20 तारीख को एक चिट्ठी निकलता है कि जितने भी एनआईएस प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनका ही वेतन ही बंद कर दिया जाएगा। और हम लोग जो है अप्रैल माह से वेतन के लिए ललायित हैं, बाकी लोगों का हो रहा है लगन शादी ब्याह, किसी का बच्चे बीमार है, किसी का पत्नी बीमार है, किसी के घर में शादी है, सारी समस्याएं हैं, शिक्षक जूझ रहे हैं। बताइए किस प्रकार से शिक्षक स्कूल में पढ़ाएंगे। अच्छा, आप बात बता रहे हैं कि पैरवी है, पैसा है, क्या घूस लिया जाता है कि नहीं के माध्यम? बिल्कुल है, डंके की चोट पर हम कहेंगे कि घूस के माध्यम, एक साथ एडवाइस आता है, एक साथ एडवाइस आता है। कुछ लोगों का वेतन हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं, ऐसा क्यों? जब एक साथ एडवाइस आया तो उसमें से चिन्हित शिक्षकों को क्यों भुगतान होगा? ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। विद्यालय में जो जाते हैं निरीक्षण के नाम पर सिर्फ पैसा की उगाही होती है, वहाँ जाएंगे रजिस्टर पर पाठिका ही नहीं है तो ये है तो वो है, किसी न किसी प्रकार का कोई बहाना ढूंढ लेना है और वहाँ जो है पैसा ले लेना है और उसके बाद जांच पूरा हो गया। जब तक पैसा नहीं दिया जाता है तब तक कुछ न कुछ खोजते रहते हैं, क्या खुनूस निकाले। कौन पैसा कौन लेते हैं? जिला शिक्षा पदाधिकारी है। अच्छा, उन्हीं का ये है। सामान भी अगर खेल उल का सामान जो होता है विद्यालय में प्रोवाइड किया जाता है उसमें भी घटिया किस्म का रहता है, ये कैसा है, इस पर जांच नहीं होता है। हम तो बार बार जिला पदाधिकारी से महोदय से हम मांग करते हैं कि शिक्षा विभाग को एक बार समीक्षा कीजिए, क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। शिक्षक कब तक, फरवरी महीना में भी हम लोग यहाँ जनता दरबार में आए तब वेतन मिला, मार्च में विधायक हम लोग अनशन धरना प्रदर्शन किए, दो दिन किए तब विधायक महोदय का वहाँ पर थोड़ा सा अपना हस्तक्षेप हुआ, तब डीओ आके चिट्ठी निकालते हैं, फिर उस चिट्ठी को 20-5 को रद्द कर दिया जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग आखिर शिक्षक कब तक रोड पर रहेंगे अपने वेतन के लिए, बार बार कितना वेतन के लिए हम लोग दौड़ते रहे। यह एक बहुत बड़ी मतलब समस्या है शिक्षकों के साथ और शिक्षा विभाग में है, इस विभाग को सुधारना है तो इस पर मैडम को तो एक्शन लेना होगा। इनके साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष है मनोज सिंह यादव, चलिए उनसे बात करते हैं। सर, इन लोग का ये समस्या है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि पैसा लेकर पेमेंट किया जाता है? देखिए, अरवल जिला के जो पदाधिकारी के जिला शिक्षा पदाधिकारी की बात कर रहे हैं, जहां घूस का बात चलेगा बोलबाला होगा, जहां भ्रष्टाचार होगा वहां ये सब लाजमी है। और जहां तक जनता दरबार के सवाल है, अगर दूसरा बार ही लोग जनता दरबार में आए, तीसरा बार, अगर एक सप्ताह के और हम लोगों ने समय लिया है, अगर एक सप्ताह के अंदर जनता दरबार से इनको न्याय नहीं मिलता है तो मैंने निर्णय कर लिया है कि बहुजन समाज पार्टी शिक्षकों के पक्ष में जन आंदोलन करने का काम करेगा। और जो भ्रष्टाचार जगदेव बाबू की धरती है, यहाँ किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अरवल जिला क्रांतिकारियों का ये बीरो से खाली नहीं है, ये सब नौजवान जो है शिक्षक है, सब एमए पीएचडी कह ले हैं, उनसे कम कोई आदमी बुद्धिमान नहीं है। एनआईओएस क्या चीज है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय सारे लोग मान रहे हैं इसकी मान्यता, ये डीओ साहब कौन पढ़ाई पढ़ के आए कि इनको नहीं मानना है? जो कानून कहता है उसके हिसाब से आपने ही इसको ट्रेनिंग कराया, ऐसा तो नहीं कि लोग अपने किए हैं, सारा लोग ट्रेनिंग किया, इनका बैकलॉग भारत सरकार कराया और सारा लोग बैकलॉग का पेमेंट होना चाहिए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इन लोगों के पक्ष में, आपको जन आंदोलन जन संघर्ष के बदौलत इस सरकार को और इन डीएम साहब के, अगर एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं हुई जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इन लोग के पेमेंट का और पिछला बकाया का, तो हम लोग आंदोलन और संघर्ष से इनको दिलवाने का काम करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।